उल्टा 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 है ना, पार्ट का नाम क्या है? उल्टा पुल्टा। अच्छा एक तुम्हें बार पता थोड़ा सा याद करते हैं पहले का, हमने जो इसे माधुरी में हमने कुछ बच्चों को आ जाने दीजिए, तब तक हम क्या करते हैं, माधुरी में ये जो पाठ हमने पढ़ा था, जो कविता, ये सब कविता भी याद हो गई थी है ना, सबको कविता याद हो गया था। ये कविता में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी जब हम गिर जाते हैं या जीवन में कोई मुसीबत आ जाता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए, ये बताया था मैंने। और तुरंत पर हमें मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ ठीक है, सब 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 अपने आप को म्यूट कीजिए और अभ्यास का किताब के सीधा बैठ जाइए, ठीक है। अब हम अभ्यास में पहला प्रश्न जो है वो है, पाठ में आए कोई चार काम वाले शब्द क्रिया ढूंढ कर लिखिए। अब देखो क्रिया क्या होता है, क्रिया का अर्थ होता है काम, क्या का अर्थ है काम, हम कोई भी काम करते हैं ना, हम कोई भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, खाना पीना हंसना बोलना रोना स्कूल जाना स्कूल से आना, ये सारा क्या है, क्रिया है, क्योंकि इससे एक काम के होने का पता चल रहा है। तो जब किसी शब्द से काम के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं, जब किसी शब्द से है ना किसी काम के होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ गया है? जब किसी काम के करने या होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। अब माधुरी बुक भी आप अपने बगल में ही रखोगे, ठीक है, माधुरी बुक को भी अपने बगल में रखोगे किताब को, और उसमें से देखे, अब देखिए यहाँ पे गिरना, गिरना है ना, गिरना क्या है, एक काम है, गिरना क्या है, काम है ना, लिखिए गिरना। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हो जाएगा गिरना, गिरना। दूसरा हो जाएगा पलट, पलट जाना, लिखिए। तीसरा मैम है, हाँ बोलो चलते, बोलो, मैम उसके बाद संभलना, संभलना, संभलना। चौथा हो जाएगा, मैम। हाँ ये क्या है आपका, ये आपका क्रिया गिरना, एक क्रिया एक काम के होने का पता चल रहा है कि हाँ, ठीक है। पलट जाना, पलट उलट जाना जिसे कहते हैं, संभलना, जब हम गिरते हैं तो संभाल फिर से उठते हैं उसे संभलना कहते हैं, उठना है ना, गिर के जो उठते हैं और चलना शुरू कर देते हैं, तो चलना उठना बैठना सब क्या है, क्रिया है, सब क्या है, क्या है, क्रिया कोई काम हो रहा है। तो जहां पे किसी भी शब्द के कोई काम, किसी भी शब्द से काम होने का पता चले या करने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया, लिख लिया क्वेश्चन, इरेज कर दे सो। यस मैम, यस यस मैम, मैम, ज्यादा कीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नीचे दी गई पंक्तियों में आए जीवों के नाम लिखे, जीवों के जो बगल में चित्र दिया गया है ना, बगल में जो चित्र दिया गया है किसका किसका, हमने किसके किसके बारे में हमने कहा, कविता में पढ़ा था मकड़े के बारे में पढ़ा था है ना, मकड़े के बारे में पढ़ा, गिरगिट चीटिंग, के बारे में, गिरगिट के बारे में, और चिलचट्टे, चिलचट्टे
पड़ेगा। तिलचट्टा कॉकरोच को कहा जाता है, मैंने क्या बताया, तिलचट्टा किसे कहा जाता है, कॉकरोच। हाँ गुड मॉर्निंग, पहला लिखिए जी जी। गुड मॉर्निंग मैम, लिखिए सब का गुड मॉर्निंग। चींटी के बाद क्या है, चींटी के बाद है मकड़े, चींटी के बाद मकड़े। लिखिए गिरगिट, लिखिए जल्दी से, मकड़े चींटी मकड़े चट्टे और गिरगिट लिखिए। लिख लिया सबने मैंने, और ये सब कैसे है, ये सब हमें क्या सिखा, ये सब हमें क्या सीख सिखाते हैं कि कभी भी गिरकर हार हार नहीं माननी चाहिए। कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जब हम गिर जाए तो हमें क्या करना चाहिए, या फिर जीवन में कभी मुसीबत आ जाए परेशानी आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए, सामना करना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू तक सबका हो गया है। श्रेया यस मैम, यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए, प्लेस कर दूं से मैं ये मिटा दूं, यस मैम। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थ्री क्रिया के बारे में परिभाषा ये सब मैं क्लास के लिखवा दूं। ठीक है, नीचे दिए गए उदाहरणों की तरह शब्दों को दोबारा लिखो। देखिए ध्यान से देखिएगा, आप तुरंत ऐसे लिखा हुआ, पहला पहली बार में तुरंत ऐसे लिखा गया, तुरंत मतलब अभी तुरंत कोई काम जल्दी, और फिर ऐसे भी लिखा हुआ है, दो तरह का लिखा हुआ है ना, तुरंत ऐसे मैम ऐसे बाकी का बनाना है। पहला है आनंद, तो आनंद ऐसे हो जाए, ये बिंदु और ऊपर लगते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से आनंद, आनंद के बाद है अंदर, अंदर उसके बाद है मंदिर, मंदिर उसके बाद है सुंदर। I have done, ma'am. अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या अंतर आया, पहले में आप बुक में देखोगे पहले में आनंद ऐसे लिखा हुआ था, है ना, लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था, पहले में आनंद ऐसे, यहाँ पे भी आधा ना था और आधा ना, आधा ना क्या बन गया, बिंदु बन गया, जिसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, इस बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वार, क्या कहते हैं, किताब में बगल में लिख लीजिए कि ये बिंदु को, बिंदु तो हम कह देते हैं पर वास्तविक में इसका क्या नाम है, अनुस्वार नाम है, क्या नाम है, अनुस्वार, अनुस्वार, सबको याद है, यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, सब समझ में आ गया है, नो मैम। ठीक है, चलिए अभी से रेस कर दूं, यस मैम। क्वेश्चन नंबर फोर, कल मैंने आपको कल भी बताया था कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो उल्टा अर्थ, किसे कहते हैं, जो उल्टा अर्थ देते हैं, जैसे दिन का अच्छा का अच्छा, है ना, साफ का गंदा, ये सब जो है ये क्या है, विलोम शब्द, जो अब सामने वाला जो अर्थ प्रकट कर रहा है, जो सामने वाला अर्थ दे रहा है उससे विपरीत अर्थ देना, दूसरा अर्थ देना, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, जो अर्थ सामने वाले शब्द ने दिया है, जैसे दिन का अर्थ क्या है, सुबह का समय, है ना, और रात का अंधेरा, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग, दोनों एक दूसरे से अलग है, पे अलग प्रकट होता है, दो शब्दों के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विलोम शब्द, क्या विलोम शब्द, विलोम शब्द,
कोई लेट के नहीं लिखेगा, सब सीधा बैठ के लिखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन का मृत्यु, जीवन का क्या होता है, जीवन का मृत्यु, जीवन का मृत्यु, जीवन मतलब जिंदगी और मृत्यु मतलब मौत, है ना, जिंदगी खत्म हो जाती है, मौत हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये का है, सुख का क्या, सुख का दुख, दुख में हाँ, और जीवन के बाद दुख, जीवन में सुख के बाद दुख आता है, सुख के बाद क्या आता है, उसके बाद हो जाएगा उल्टे का सीधे, उल्टे का सीधे, वेरी गुड। उसके बाद क्या हो जाएगा, अपने का पढ़ाई, अपने का है ना, जो हमारे हमारे मम्मी पापा आपके भाई बहन ये सब क्या है, आपके अपने, अपने। जो बाकी लोग हैं वो क्या है, पढ़ाए। रास्ते में कोई भी इंसान जो चल रहा है जिसे हम नहीं जानते वो क्या होता है, पढ़ाए होती है, जिसे हम अच्छे से जानते हैं, जिसके साथ हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अपने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक सबका बन गया है, yes, ma'am. इसे अब मैं इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, इसे अब मैं इरेज कर दे रही हूँ, ओके मैम। अब आगे, अब मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना सकती, चित्र मेरे से इतना अच्छा नहीं बनेगा, और क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र को देख के नाम लिखना है, ये जल्दी से आप लोग बनाइए, चित्र के नाम लिखिए, चित्र दिए हैं उनका नाम लिखिए, फिर आप बात कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि कौन सा चित्र के क्या नाम, जल्दी से बनाइए इसे मैम। अपने काम से घर और मकान, आई हैव डन मैम, आवाज नहीं आ रही, आई हैव डन मैम, आई हैव डन मैम, ठीक है, आई हैव डन मैम, बोलेगा कोई नहीं बीच में, आई हैव डन नहीं करेगा, कहेगा मैं जब बोलूंगी 2 मिनट बाद सब बना लेंगे, तब मैं पूछूंगी, तब एक एक करके आप बताइएगा, ठीक है। मैं ऑर्डर हो गया सबका, यस मैम, चित्र शुभांगी बताइए, पहला चित्र किसका है शुभांगी, छिपकली, क्रिकेट, हमने लेसन में छिपकली के बारे में क्रिकेट के बाहर छिपकली भी ले सकते हैं, क्रिकेट लिख लो ज्यादा क्योंकि कविता में क्रिकेट के बारे में, यस मैम, गेट, दूसरा है, दूसरा पूर्वी बताइए, दूसरा क्या है पूर्वी, घर, इतना सुंदर घर, हमें सबसे ज्यादा मन लगता है, अच्छा सर आप सब बताइए सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है, अपने घर में, कितना भी कहीं भी चले जाए, कितनी भी अच्छी जगह, किसी दूसरे का घर बहुत बड़ा है फिर भी हमें किसका सबसे ज्यादा अपना घर है ना, बड़े घर बड़े चले जाए, पर आपको जो सुख, जो शांति, जो सुकून आपको अपने घर में मिलेगा वो कहीं पे नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा घर कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो, वो हमारा सबसे अच्छा हमारे लिए वो जगह होता है ना, होता है कि नहीं होता है, अब तीसरा है महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी का चित्र दिया गया, तीसरा किसका दिया गया है, महात्मा गांधी जी को बापू, 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 बापू किस नाम से जानता है, बापू नाम से जानता है, चौथा बताइए,
किसका चित्र है? लाल किला, लाल किला का चित्र है, लाल किला, लाल किला लाल किला कहाँ पे है? मैम दिल्ली, मैम दिल्ली, दिल्ली, मैम दिल्ली में, बहुत बढ़िया। उसके बाद है थैला, उसके बाद क्या है? थैला, थैला, मैम बस। और अंतिम में क्या है? मक्खी, में क्या है? खी, मक्खी। रैपर फेंक देना तो लोग। मैम जी इसका जो बॉक्स भी बना उसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस छोड़ दीजिए वैसे ही है। आपको नाम लिख दिया सबने? यस मैम। हो गया सबका? अबू मैम अब देखिए यहाँ पे। अच्छा दिया, अब दो शब्द अब ध्यान से देखिए बुक में, नीचे अपने बुक को देखिए। अब व्यक्ति का नाम है उसके नीचे एक लिखना है, जो जीवों के नाम है उनके नीचे दो लिखना है, वो बॉक्स जो दिया गया है उसमें। स्थान के नाम के नीचे तीन लिखना है, वस्तु के नाम के नीचे चार लिखना है। तो गिरगिट क्या है? जीव है ना, उसके नीचे दो लिखना। यस मैम, मैम उस बॉक्स में, हाँ उस बॉक्स में। उसके बाद घर क्या है? मैम थ्री, थ्री तीन है ना, घर के नीचे तीन लिखे। मैम महात्मा गांधी जीव का नाम है, महात्मा गांधी के नीचे क्या लिखेंगे? हाँ महात्मा गांधी के नीचे क्या लिखेंगे? एक लाल तीन थैला क्या है? वस्तु है, सामान है ना, बैग आपका क्या है? सामान है, उसके नीचे चार चार चार। मक्खी के नीचे, मक्खी के नीचे दो, ठीक है हो गया। आपका संज्ञा कंप्लीट हो गया है? यस मैम। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, संज्ञा किसका नाम है? व्यक्ति का, वस्तु का है ना, और भाव, ये सब नाम, ये सब के नाम को हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? संज्ञा। नाम के नाम संज्ञा कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये तो पढ़ा नहीं है, ये तो पढ़ा दिया गया आप लोगों को। अच्छा जल्दी से बताइए, संज्ञा के कितने भेद बताया है मैंने? पांच, तीन, तीन। पहला क्या कहा था कि पांच भेद है, पर अब तीन। पहला क्या, कौन सा भेद है? मैम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पेज पलटिए, आपकी तरफ से कट कट के आवाज आ रहा है। बच्चा सपाट ठीक से आवाज आ रही है? पढ़ी आपको ठीक से आवाज? चलिए नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाना है। चलते 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 निचली छत, मैम मैं चलते चलते निचली छत से, मैम वो चलते चलते गिर गया। चलते चलते गिर गया,
या फिर लिखी को थक गया, चलती चलते थक गया, ठीक है, गिर गया नीचे। ख है आपका झटपट, मोहन झटपट काम करता है, मोहन झटपट मैम या फिर माँ झटपट काम कर रही है। हाँ, झटपट काम कर रहा है। उसके बाद है हिम्मत, मैम हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत नहीं खोनी चाहिए, हिम्मत काम मत नहीं हारनी। लिखिए बस चलते चलते अब क्या, मोहन झटपट काम कर रहा था, हमें मैम बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग बना लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछूंगी तब आप लिखिए, जो लिखा हुआ है साफ साफ अक्षर पे। अब देखो चलते चलते जो है इसके बीच में ये जो चिन्ह है, क्या कहते हैं, चलते चलते के बीच में ये चिन्ह को क्या कहते हैं, ये जो डैश जैसा लिखा हुआ है छोटा सा लाइन, इसे क्या कहते हैं, योजक चिन्ह, क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। बुक में वो डैश ठीक है। उसके बाद है झटपट, हो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है, कितने लोगों को पता है पर्यायवाची, ऐसे शब्द जिनके अर्थ क्या कहते हैं, है ना, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, जैसे अगर मैं सूरज को सूर्य कहूँ या रथ कहूँ या तितर कहूँ, अगर मैं सूरज को द्रवि कहूँ, तितर कहूँ या फिर मैं उसे सूर्य कहूं, तो क्या उससे उसका मतलब बदल जाएगा, नहीं ना। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। या फिर मैं फूल को कुसुम कहूँ, सुमन कहूँ, पुष्प कहूँ, मैं कुछ भी कहूँ ये शब्दों में से उन्हें फूल को, तो वो फूल का फूल ही रहेगा, एक ही अर्थ देते हैं। जहाँ पे समान अर्थ जो देता है, ऐसे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उसे हम पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं, उसे हम पर्यायवाची या फिर समानार्थक शब्द कहते हैं। याद रहेगा सबको, याद रहेगा, गुड। चलिए अब फर्स्ट आवाज में आपका क्या होगा, नयन और नेत्र, नयन नेत्र, चुपचाप लिखिए। हस्त कर, उसके बाद है पैर का पद, दान चरण और पद, पद पद और चरण, चरण चरण कमल कहाँ है, तो चरण मतलब आयोजन हो गया सबका, आई हैव डन।
ठीक है, बना लीजिए सर पहले। आई हैव डन मैम। सब बना लीजिए। कुछ बच्चे अब भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो फिर आप कैसे चीजें जो पहले हो चुकी है उसे कंप्लीट करेंगे? टाइम पे क्लास ज्वाइन करना सीखिए आप लोग, ठीक है? जो टाइम है, जो अभी आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, पहले वाला चीज तो छूट गया होगा। यस मैम। इसे इरेज कर दूं? यस मैम। यस मैम। कि आपके बुक में इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 बना हुआ है। मैं लिखा है ली ना, इसमें लिखा है ना, ना फिर लिखा है तो यहाँ पे लिखना क्या हो जाएगा? लिखना क्या हो जाएगा? लिखना। नहाना, नहाना के बाद नाचना। नहीं नाचना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो नहाना भी हो सकता है, नाचना भी हो सकता है। यहाँ पे मैम जो ऑप्शन है ना, नहाना, लिखना, नाचना, नहाना, उठना, उठना, उठाना, मैम उड़ना, 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 उठाना। वीडियो क्यों ऑन किया हुआ है? गिनना, गिनना, ये रोशनी नहीं आ रहा। I have done. साइड वाला यहाँ पे मोबाइल। मैम, मैम। चलिए सबका हो गया है। लिखना, नाचना, नहाना, उड़ना और उठना। पांच बनेंगे आपके, कितने शब्द बनेंगे? पांच। लिखना, नाचना, ये सब कैसे शब्द है? ये सब क्रिया शब्द है, ये सब क्रिया शब्द है। किताब के बगल में आप देखोगे कि यहाँ पे जगह है, तो मैं जो लिखवा रही हूँ उसे आप वहां पे लिखेंगे, ठीक है? क्रिया की परिभाषा में लिखवा रही हूँ, आप लिखेंगे और याद करेंगे। जैसे मैं लिख रही हूँ जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इसे कॉपी में भी आप लिख सकते हैं, इसे हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए, इसे हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है? इसे हिंदी की कॉपी में लिख लीजिए। जैसे मोहन
स्कूल जाता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, माँ खाना बनाती है। ठीक है, लिखिए इसे। अब मैंने ये आपको पहले ही बताया कि जिस शब्द से किसी काम की करने या होने का पता, जैसे मैं बोलूं कि मैं पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है। बच्चे लिखते हैं तो लिखना क्या है? क्रिया है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं तो सुनना क्या है? क्रिया है। तो किसी भी शब्द से, अगर किसी भी शब्द से, कोई भी शब्द से अगर किसी काम के करने या होने का पता चलता है ना, उसे हम क्रिया कहते हैं। इसे लिख लीजिए अच्छे से। और यही आपका होमवर्क है कि आज आपको क्रिया की परिभाषा याद करनी है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? ये याद करना है आपको, यही आपका आज का होमवर्क है, ठीक है? लिखो सर। और जो बुक में अभी लिख लिया है ना, अभी की लिख के, अभी आपके पास पास में नहीं कॉपी होगी, जिन्होंने बुक में लिख लिया है उसे कॉपी में भी लिखिए, ठीक है? जिन्होंने बुक में लिखा है वो इसे कॉपी में भी, आज का कक्षा कार्य लिखे ये लिखेंगे और गृह कार्य में से याद करेंगे, ठीक है? और जिन्होंने अभी लेट क्लास ज्वाइन किया है वो कंप्लीट कर लेंगे, लिख लीजिए जल्दी से। हो गया सबका? जिसका जिसका हो जाएगा वो हैंड राइज करेगा, ठीक है? जिसका जिसका हो जाएगा वो हैंड राइज करेगा। सन्मय का हो गया है, ये मोनू का हो गया है, आदित्य राज। हाँ, मैं नाम अगर अब इसमें ये इसमें ये फायदा है कि आप लोग का नाम रहता है तो मुझे नाम मैं भूलती नहीं हूँ। समृद्धि, आयुष राज, ठीक है? सब इसे लिख लीजिएगा और सब इसे याद कर लीजिएगा। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा सबको। तो मंडे को जब हमारा क्लास होगा, ऑफलाइन क्लास में जो पॉज पीरियड हमारा होगा, तो उसमें मैं ये सबसे पूछूंगी और ब्लैकबोर्ड पे लिखवाऊंगी, ठीक है? याद करना है और देख देख के याद करना है, और याद होने के बाद उसे रफ में एक बार लिख लेना है, ठीक है? अच्छा, मैं साइड हो जाऊंगा। लो लिखो। लिख लीजिएगा और आज का होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है? हो गया ना सबका? अब जहां तक आज करवाया है वो सबके बुक में बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है? सारी चीजें समझ में आ गई है पक्का, ठीक है? तो जो समझाया है उसे ध्यान में रखना है, जो करवाया है उसे बुक में अच्छे से लिख लेना है और याद कर लेना है, यही आज आपका होमवर्क है, ठीक है? तो क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, अपनी कॉपी सब सब्जेक्ट की कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? बाय सनय। और क्वेश्चन नंबर जो बच गया है उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, बस एक क्वेश्चन जो है वो आपका बचा है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। जो मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, और ये सब आप लोगों को भी पता है। अगर आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिएगा। जो नहीं लिख पाएंगे उन्हें मैं क्लास में लिख पाती हूँ, और कोशिश जरूर कीजिएगा अपने आप आंसर लिखने, क्योंकि आंसर तो आपको क्लास में बता ही दिया गया है, बता दिया गया है ना?
ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? जहां तक समझाया वहां तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं ना? ठीक है, अच्छा। एक और बात मैं कि